कि परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए, ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त यह था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है, अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, OMR की हमारे स्कैन करके रिजल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिजल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिजल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं तो हम कैसे उनका रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो BEd अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर ना हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो BEd अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिजल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग दो चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं।